हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट थीम्स ऑफ द नॉवल द हाउसमेड ऑफ डॉन बाय एन स्कॉट मोमोडे। तो जब हम थीम्स की बात करते हैं, किसी भी वर्क ऑफ आर्ट के थीम्स की बात करते हैं, तो हम एक्चुअल में क्या जानना चाहते हैं? सब्जेक्ट जानना चाहते हैं कि किसी भी वर्क ऑफ आर्ट का सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ऑफ अ टॉक क्या है, सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्कशन क्या है। तो अगर आपने नॉवल पढ़ा है, इसकी स्टोरी जानते हैं, तो आपको सबसे पहले जो थीम दिमाग में आएगा, जो सबसे पहले सब्जेक्ट दिमाग में आएगा, तो वो क्या है? सर्च ऑफ आइडेंटिटी। तो एबल, जो इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट था, जो मेन कैरेक्टर था, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और अपने आइडेंटिटी को लेके उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि वो एक्चुअली में किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, किस कल्चर को बिलोंग करता है, क्योंकि वो जिस कल्चर से था, मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटीज थे, वो खुद को उससे रिलेट नहीं कर पा रहा था। और दूसरी तरफ जो कॉमन अमेरिकन थे, जो वाइट अमेरिकन थे, वो एबल को नहीं एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि एबल जो है वो नेटिव अमेरिकन कम्युनिटी से बिलोंग करता था। सो द मेन थीम्स ऑफ दिस नॉवल सीम्स टू बी द सर्च ऑफ आइडेंटिटी and this can be analyzed and understood from the story of Abel. He is caught between two opposing cultures and unable to come to terms either. Abel seeks his identity in his own tribes before he faces modern American culture. तो जब तक उसने modern American culture को नहीं देखा था, तब तक वो अपनी identity अपने tribal community में ही ढूंढता था। लेकिन जब वो modern American culture से expose हुआ, तब उसे पता चला कि लोग कैसे होते हैं, कितने practical होते हैं, कितने आगे बढ़ चुके हैं, और उनका जो community है अभी भी पीछे है। Especially जो उनके community के older generation है, वो ज़रा भी change अपने community में, अपने culture में accept नहीं करते, उसको accommodate नहीं करते। जैसा सदियों से चलता आ रहा है, बस वैसा ही चलना चाहिए। तो फिर जो यंगर जनरेशन है, वो कितना भी चेंजेस लाना चाहे, वो नहीं ला सकते। शायद इसीलिए एबल अपने कम्युनिटी से, अपने ट्राइबल कम्युनिटी से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। एबल फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट फुल्ली और अडॉप्ट द कस्टम ऑफ हिज कल्चर। ही मूव्स अवे फ्रॉम हिज ट्राइबल कल्चर एंड मूव्स इनटू मॉडर्न अमेरिकन कल्चर। अब ये कहां चला गया? मॉडर्न अमेरिकन कल्चर की तरफ चला गया, लेकिन ये वहां पर भी सेटिस्फाइड नहीं था, वहां के लोगों से भी अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये मॉडर्न अमेरिकन कल्चर का पार्ट नहीं था। तो इसलिए वो अपने आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूज था, और साथ ही साथ अपने पर्सनल रिलेशनशिप में भी वो सेटिस्फाइड नहीं था। द सन एंड द लैंड शेप द रिदम्स ऑफ ट्राइबल लाइफ। फ्रांसिस्को टीचिंग इम्प्रेसेस ऑन एबल द क्रूशियल रोल ऑफ द एनवायरमेंट। मतलब जो फ्रांसिस्को था, उसका ग्रैंडफादर, एबल को बहुत सारी चीजें सिखाता था, एनवायरमेंट के बारे में सिखाता था, नेचर के बारे में सिखाता था, और एबल उससे इम्प्रेस भी होता था, उसको नेचर का इम्पोर्टेंस भी पता चलने लग गया था, और एबल अपने कम्युनिटी के बहुत सारे रिचुअल्स में भी पार्टिसिपेट करता था। लेकिन उसके बाद भी वो अपने आप को आउटसाइडर फील करता था। उसका रीजन ये था क्योंकि उसको नहीं पता था उसके पेरेंट्स कौन थे, उसे नहीं पता था कि उसके फादर का डेथ कैसे हुआ, उसकी मदर का डेथ कैसे हुआ, यहाँ तक कि उसका भाई भी नहीं था, इसलिए वो अकेला फील करता था। उसने बचपन से सिर्फ अपने ग्रैंडफादर को देखा एज ए गार्जियन। उसके ग्रैंडफादर ने उसके एजुकेशन को कंट्रोल किया, उसके सोशल कॉन्टेक्ट को कंट्रोल किया, और यही सब रीजन के वजह से वो अपने आप को फुल्ली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा था अपने कम्युनिटी में। एबल पार्टिसिपेट इन सेवरल एक्टिविटीज ऑफ हिज ट्राइब लाइक हर्डिंग शिप, हंटिंग डियर एंड अदर सेरेमनीज, बट एबल फील्स लाइक एन आउटसाइडर इन हिज कम्युनिटी। ही डिड नॉट नो हु वॉज हिज फादर। विद द डेथ ऑफ हिज मदर एंड ब्रदर ही फील्स लोनली। हिज ग्रैंडफादर फ्रांसिस्को डोमिनियर्स ओवर हिम, कंट्रोल्स हिज एजुकेशन एंड रेगुलेट्स हिज सोशल कॉन्टेक्ट, एंड हेंस Abel is unable to integrate fully into his community because of these circumstances. तो फ्रेंड्स, ये कंटेंट से आप दो क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट, डिस्कस द थीम ऑफ सर्च फॉर आइडेंटिटी इन द नॉवल हाउस मेड ऑफ डॉन, और दूसरा हो सकता है डिस्कस द थीम ऑफ एलियनेशन इन द नॉवल हाउस मेड ऑफ डॉन। तो दोनों का आंसर सेम होगा। इस कंटेंट के साथ आपको इंट्रोडक्शन ऐड करना होगा, जिस इंट्रोडक्शन में आपको लिखना होगा ऑथर के बारे में, और साथ ही साथ थोड़ा सा समरी दिखना पड़ेगा इस नॉवल का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप का कोई वीडियो चाहिए, मतलब क्वेश्चन आंसर बेस्ड वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टॉपिक के साथ लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।